यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम शनिवार को घोषित किया जा चुका है, जिसमें छात्रों के मुकाबले छात्राओं का प्रदर्शन बेहतर रहा। जनपद मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यहां हाई स्कूल की परीक्षा के लिए कुल 29,497 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 27,918 छात्रों ने परीक्षा दी और 25,121 परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। हाई स्कूल की परीक्षा में छात्रों की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर में 84.66% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि छात्रों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करते हुए 96.24 छात्राएं परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं। वहीं टोटल रिजल्ट 98.98% रहा। जिले में हाई स्कूल की परीक्षा में CCSG इंटर कॉलेज मीरापुर तिसंग के छात्र देवांश कुमार ने 600 के मुकाबले 554 अंक प्राप्त किए, जिनका फाइनल रिजल्ट 92.33% अंकों के साथ रहा। देवांश ने जिले में टॉप करते हुए अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है, जबकि सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज भगवंती विद्या मंदिर नई मंडी की छात्रा प्रिया बंधानी ने 600 अंकों के मुकाबले 553 अंकों के साथ 92.17% अंक प्राप्त कर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं होली चार्ट पब्लिक इंटर कॉलेज जड़ौदा की छात्रा दिव्या शुक्रालिया ने 600 अंकों के मुकाबले 551 अंकों के साथ 91.83% अंक पाकर जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है। आपके कितने नंबर आए हैं, कौन सी क्लास में? मेरे सर 12th में 90.2 आए हैं। कौन सा स्कूल था? सर, मेरा शिव शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज खतौली। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अपने माता पिता और स्कूल का नाम रोशन करके। उम्मीद तो सर मुझे यूपी में ही आने की थी, पर थोड़ा कम रह गया मेरा प्रयास उसमें यूपी में जिले में। किस तरह की दिनचर्या थी आपने, कैसे पढ़ते थे, क्या इस समय पर? सर, सुबह को थोड़ा अर्ली में 2-3 घंटे सुबह को, फिर थोड़ा फ्रेश हो के सर 4-5 घंटे उसमें दोपहर में, फिर शाम को 10 बजे तक पढ़ता था मैं। क्या बनना चाहते सर? मेरा टारगेट IAS बनना ही है, उसके लिए मैं अभी से ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ वैसे तो। अच्छा, इस बीच किस तरह की कोई परेशानी आई हो परिवार में, कि भाई किस तरह की आया कुछ? नहीं सर, उस तरह की तो नहीं आई, बस थोड़ी मेरे एग्ज़ाम्स में ही थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, पेपरों के बीच में, तो इस वजह से थोड़ा कम हो पाया बाद में। दूसरे छात्रों के लिए क्या? सर, दूसरे छात्रों के लिए ही मैं ये कहूँगा कि मेहनत करें, मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। बेटी, आपका नाम? मेरा नाम दिव्या है। कहाँ पढ़ती हैं? मैं होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। अच्छा, आज रिजल्ट आया है, कितने कौन सा स्थान आपको मिला है, कितने अंक आपको प्राप्त हुए? मेरे 600 से में से 551 मार्क्स आए हैं और जिले में 3rd पोजीशन पे हूँ। अच्छा, तो पहला स्थान क्यों नहीं मिला आपको? आगे कोशिश करूँगी। अच्छा, क्या बनना चाहती हूँ? मैं टीचर। अच्छा, तो कब आप टीचर बनने का, आपके कैसा आया ख्याल आपके बनने में? लोग IAS बनने की बात करते हैं, IPS बनने की बात करते हैं, आप टीचर क्यों बनेगी? टीचर्स, दरअसल मुझे अपने टीचर्स से ये मिला है कि प्रेरणा की जो टीचर्स हैं वो इतनी मेहनत करते हैं, हमारे साथ पढ़ाते हैं, सो मैं भी एक टीचर बन के और बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। अच्छा, पढ़ाई में किसका योगदान आप घर में किसका मानते हैं? चलो, इस स्कूल में तो मैं अपने पेरेंट्स, मम्मी जी का। अच्छा, ये घर का काम नहीं बताती तुम्हें? नहीं, घर का काम के लिए इतना लोड नहीं होता, थोड़ा बहुत करना है कर लो, वरना पढ़ाई पे। कितने घंटे पढ़ती हो? 4 से 5 घंटे। अच्छा, जिले में 3rd नंबर पर रहा है, आप कैसा लग रहा है आपको? मैं काफ़ी खुश हूँ और आगे कोशिश करूंगी कि 12th में मेरी फर्स्ट पोजीशन आए। नाम क्या आपका? मेरा नाम बबीता रानी है। जी बबीता जी, आपकी बिटिया ने जिले में 3rd नंबर प्राप्त हो गया है जी, पोजीशन प्राप्त की बात है, खुश हैं। फर्स्ट पोजीशन करती तो ज़्यादा अच्छा रहता। अच्छा, पर ये भी बहुत मेहनत करती है और चलो इस बार नहीं है, आगे कोशिश करेंगे कि अगली बार। कितना पढ़ती है घर में? ये 4-5 घंटे। अच्छा,
तो और कौन पढ़ाने वाला, कोई घर में कोई और भी स्कूल के अलावा घर में? जी ये फ़ोन से यूट्यूब से कुछ थोड़ा सा बता देते हैं घर पे, और बाकी जो टीचर्स हैं स्कूल के बहुत अच्छे हैं, कभी भी फ़ोन कॉल करो और जो कुछ भी पूछना हो कभी भी किसी भी टाइम आप पूछ सकते हो। और बच्चों के पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? और बच्चों के पेरेंट्स से बस यही है, ध्यान रखें, वैसे स्कूल इतना अच्छा है कि पेरेंट्स को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सब चीज़ जो घर खुद ही ध्यान रखते हैं। तो आपकी बेटी का जो सपना है आप उससे संतुष्ट है या कुछ और बनाना चाहती है? टीचर बनना चाहती है, टीचर भी अच्छा है, तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी में हम सोच रहे हैं आगे लेके जाएं। मेरा नाम देवांश है, मैं मंतोड़ी का रहने वाला हूँ, मेरे स्कूल का नाम है सीसी इंटर कॉलेज। जिला टॉप किया है आपने, कितने परसेंटेज नंबर आए? 92% पॉइंट कुछ। किसको इतना श्रेय किसको देना चाहिए? मैं अपने परिवार वालों को और अपने गुरुजन को। आगे चलिए क्या बनना चाहूँगा? एयरफोर्स में। एयरफोर्स अच्छा, इस बीच में किस तरह की प्रॉब्लम भी आई? नहीं ये कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम वगैरह कोई दिक्कत इस वजह से? नहीं ये कुछ नहीं, सभी का पूरा सहयोग रहा है जी। गुरु जी का कितना सहयोग? गुरु जी का सबसे ज़्यादा रहा है, सबसे ज़्यादा। हाँ जी सर, एक बिटिया ने आपके स्कूल का नाम रोशन किया है जिले भर में, क्योंकि थर्ड पोजीशन प्राप्त की है, आप क्या कहेंगे? ये बच्चों की मेहनत है, उनके माता पिता का बहुत ही सहयोग है, साथ ही साथ जो टीचर्स हैं वास्तव में विद्यालय के होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज के अध्यापकों ने और उनके अभिभावकों ने इसमें बहुत बड़ा उनका सहयोग है, जो आज ये गुड़िया तीसरे नंबर पर जिले पर आई है। इसके परिवार को इसको कुछ कहना चाहेंगे? परिवार को और दूसरे बच्चों को यही संदेश है कि आप जितनी मेहनत करोगे, जिस तरह से हीरे को तराशा जाता है और वो बहुत ही बेशकीमती बनता है, उसी तरह से आप भी मेहनत कर बहुत ही बेशकीमती बनकर अपने जिले का नाम, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। आज स्कूल में खुशी का माहौल है, बिटिया को मिठाइयाँ खिलाई गई हैं। आज बहुत ही खुशी का माहौल है और बड़ी ही ये शुभकामनाएं इस बच्चे को, परिवार को और विद्यालय के उन सभी शिक्षकों को जो आज इस मुकाम पर इस बिटिया को यहाँ पर लेकर आई हैं। सर आज बोर्ड का रिजल्ट आया है, हमारे यहाँ क्या परसेंटेज मुझे पता चल? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आज सबसे पहले हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित हुआ है 2 बजे, तो उसमें जनपद मुजफ्फरनगर की जो स्थिति है वो पहले मैं ओवरऑल बताता हूँ आपको। तो उसमें हाई स्कूल में हमारे यहाँ 29,497 बच्चे पंजीकृत थे, जिसमें से 27,918 बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, जिसमें से 25,121 बच्चे पास हुए हैं। जो हमारे लड़कों का परसेंटेज है, पास परसेंटेज जिले में वो 84.66 है, लड़कियों का पास परसेंटेज बहुत बढ़िया है, 96.24 है। कुल मिलाकर जनपद का जो रिजल्ट रहा है वो 89.98 रहा है। इसमें हमारे जनपद में जो जनपद के 10 टॉपर्स हैं उसके नाम मैं आपको बता रहा हूँ उनके परसेंटेज के साथ, तो ये रैंक 1 में देवांश कुमार रहे हैं, जिनका पास परसेंटेज है 92.33 और इनके मार्क्स हैं 554 आउट ऑफ 600। ये हैं CCSJ इंटर कॉलेज मीरापुर तिसंग मुजफ्फरनगर से। दूसरी रैंक पर हैं प्रिया बंधानी, जिनका पास परसेंटेज है 92.17, इनके मार्क्स हैं 553 आउट ऑफ 600। ये हैं भगवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से। तीसरे नंबर पर दिव्या सुक्रैलिया, ये होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज जड़ौदा से हैं, और इनका ये फीमेल है भी, और 551 इनका मार्क्स है, अचीवमेंट है, प्राप्तांक है आउट ऑफ 600, इनका परसेंटेज है 91.83। अगर आप चाहें तो हम इसको लिस्ट को आगे पढ़ें बच्चों जी। चौथे नंबर पर श्रेया हैं, जो कि अग्रोहा SN इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर से हैं, इनका पास परसेंटेज है 91.17
इनको 547 अंक मिले हैं 600 में से। पांचवें नंबर पर अभिका चौधरी हैं, जो कि भगवंती सरस्वती विद्या मंदिर जिस पर जो आपने सेकंड नंबर पर भी देखा इसी स्कूल से हैं। इनका पास परसेंटेज है 90.67। इनके मार्क्स हैं 544 600 में से। छठे नंबर पर वंशिका चौधरी हैं, जो कि उन्हें उसी स्कूल की हैं जिससे कि पहले नंबर का हमारा कैंडिडेट है, CCSJ इंटर कॉलेज मीरापुर तिसंग, और इनका पास परसेंटेज है 90.50 और इसका जो मार्क्स हैं 543 600 में से। सातवें नंबर पर अंश सेन हैं, जो MDS विद्या मंदिर खानपुर मेल यहाँ से हैं, और इनके 542 अंक 600 में से 90.33 इनका परसेंटेज है। आठवें नंबर पर फलक नाज हैं, जो कि नवाब अजमत गर्ल्स इंटर कॉलेज से हैं। इनका पास परसेंटेज है 90.17। इनके मार्क्स हैं 541 600 में से। आठवें नंबर पर ही ये दो लोग हैं आठवें नंबर पर, फलक नाज और बंसिका। नौवे बंसिका को मैंने बता दिया ना आपको जी। आशीष हैं नौवे नंबर पर, ये हैं JLNS इंटर कॉलेज रवापुर सठेड़ी, जवाहरलाल नेहरू स्मारक नाम है पूरा ये, रवापुर सठेड़ी का हमारा स्कूल है। इनका 90% है इनका अचीवमेंट, और इनके अंक हैं 540 600 में से। नाइन्थ पर ही दूसरा एक और कैंडिडेट हैं स्नेहा शर्मा, ये स्वामी कल्याण देव कन्या इंटर कॉलेज काकड़ा मुजफ्फरनगर से हैं। इनका 90% इनका भी है 540 600 में से। और लास्ट जो हमारा 10th रैंक है वो है हादिया नाज, ये नवाब अजमत से हैं, और इनके अंक हैं 89.83 और इनका अंक हैं जो इन्होंने अचीव किया है 539 600 में से। तो ये है सारी डिटेल। ठीक है।